तो दोस्तों अभी हमें मिल चुके हैं मुस्कान केटी के दुल्हा जी। हाल ही में मुस्कान केटी से शादी किए हैं नवीन बाबा जी। हैं आशीष भैया के काफ़ी क्लोज हैं और मुस्कान जी भी आशीष भैया क्लोज थे, तो कहीं ना कहीं आशीष भैया शादीशुदा थे इसलिए नवीन बाबा जी मुस्कान जी से शादी किए हैं। तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शादी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मुस्कान जी से भाग के शादी किए हैं या भाग के कल करेंगे? अच्छा, मतलब मंडप में लग भी रहे? अच्छा, शादी कराएं कौन? आशीष भैया शादी कराए थे? अरे जब जहाँ लिखा रहता वहाँ हो जाता है। तो फिर भी किन का सहयोग था शादी? सबका सहयोग था, सारा पूरा टीम का सहयोग था। टीम का। अच्छा, कैसे आप उनसे शादी किए? पहले से लव वो करते थे या फिर डायरेक्ट? नहीं नहीं, क्योंकि देखिए देखा देखिए सेटअप पे होता होगा, मिलन मुलन पे वही सब हुआ और हो गया। अच्छा, क्या क्या कर लिए अभी शादी करके? करेंगे मतलब शॉपिंग वोपिंग क्या क्या खरीद के? होते रहता है। तो अभी हमारे साथ थे, अच्छा मुस्कान जी से काफ़ी लोग चाहते थे कि शादी करेंगे, तो आप बहुत लोगों का दिल तोड़ दिए, क्या बोलिएगा? ऐसा नहीं है भाई, दिल नहीं तोड़े हैं। वो एक गाने का रोल था, वो रोल किया, उसमें शादी नहीं हुआ है। अच्छा, गाने में ही शादी हुआ, लेकिन शादी तो आपका हुआ है? हाँ, गाने में हुआ है यार, रियल में नहीं हुआ है। अच्छा, गाने में क्या क्या किए हैं शादी में? जिससे पूरा शादी में जो होता है, जैसे शादी में जैसे बहुत कुछ होता है, जितना चीज होता है सारा चीज हुआ, जितना चीज शादी में होता है हुआ है। शादी में तो चीज हुआ, तो शादी में कंपलसरी है कि तो होना है, शादी अगर शादी का सूट हो रहा है तो वहाँ तो होना ही है। अच्छा, मतलब जितना चीज शादी में हुआ सब हुआ है? हुआ, सब कुछ हुआ है। अच्छा, आपका एक अभी गाना आया था, काफी बवाल था, एक बार वो गाना हो जाए फिर इस टॉपिक पे आप बात करेंगे। अरे कही आये तो तोर साजा न कही आया जाना बाजा न ढोलो तो, अरे कही आये तो तोर साजा न कही आया जाना बाजा न ढोलो तो, अरे भोरे सिंदूर हरी बोलो तो, रातिया में चोली खोलम खोलो तो। आप इसमें भी बोल रहे हैं कि खोलम खोलोगा, क्या खोलम खोलोगा? अरे इसमें क्या होगा, गाना है, गा दिए गाना है, उसमें रियल नहीं है तो नहीं। जैसे वो रियल ही है, होता है जो होता है रियली में, भाई आप बात किए हैं, इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, डबल मीनिंग है। अच्छा, ये बोलिएगा मुस्कान जी से आप शादी का जो आपका वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी, शायद आशीष भैया भी स्टेटस लगाए थे, तो क्या खास रहा था? कहीं कुछ तो कनेक्शन होगा कि आशीष भैया को भी स्टेटस लगाना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, जैसे है ना कि सबका शौक था कि हम एक बार काम करें मुस्कान जी के साथ, आप करें करें काम, तो काम किए, ऐसा कुछ नहीं कि शादी हो गया। वो बोले ना कि रियल है, रियल नहीं बस। अच्छा, मुस्कान जी काफ़ी खुश लग रहे थे, उनका भी इंटरव्यू लिए, काफ़ी खुश लग रहे थे आपसे शादी। हाँ, उसका भी शौक था कि जरूर बाबा से शादी, शादी नहीं काम करें। अच्छा, नहीं जैसे देखिए उनके खुशी से लग रहा है कि मुस्कान जी रियली में आपसे शादी कर खुश थे। हाँ, खुशी तो होता है सब, जितना। तो क्या इस खुशी को हकीकत में बदला जाए? हकीकत में नहीं, जहाँ माँ बाप देखिए वहाँ शादी होगा, ऐसा नहीं। नहीं, जैसे देखिए अगर मुस्कान जी एक ऐसी मॉडल है इंडस्ट्री की जो हर किसी को पसंद आ जाता हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान, जरूर जरूर है उस लायक है। तो आपको पसंद है? पसंद पसंद तो सबको है, वो सबको पसंद। अच्छा, ये बोलिए अगर उनसे शादी का आपको मिले प्रपोजल तो कर लीजिएगा? ऐसा नहीं है, जो बोले ना कि मम्मी पापा जहाँ करेंगे वहाँ करेंगे हम, ये अपने अपने से नहीं। अच्छा, अपने से शादी नहीं करें? अच्छा, आप अभी जिस तरह शादी कर लिए, फोटो वायरल हो गया, मम्मी पापा तो दो तीन दिन के बाद ही कॉल किए होंगे, तो उनको अगर कहीं ना कहीं घबरा गए होंगे घर से कॉल उलवाने के लिए? सबसे मम्मी पापा तो ऐसे भी जानते थे कि काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा घबराए मेरे बड़े पापा। बड़े पापा? तीन दिन तिलक वाग, तीन दिन तिलक ऐसा नहीं है, तीन दिन तक बड़े पापा हमसे बात नहीं कर पाए, मतलब फ़ोन मेरा लग नहीं रहा था, मेरा फ़ोन नहीं आ रहा था। तीन दिन सोचे बात करने के लिए, फिर कल बात हुआ उनसे, तो बोले उनको, तो बोला ठीक है, तो बोले कि हम तो घबरा गए थे। मतलब अच्छा, रियली में मान लीजिए मुस्कान जी बोले कि नवीन जी आप हमको बहुत पसंद है, आपसे शादी करेंगे, तो क्या करिएगा? मम्मी पापा भी मान जाए, करिएगा? ऐसा नहीं है, अब बोले ना कि अब गांव का रहेगा, ऐसा नहीं कि अब इस लाइन। अच्छा, मतलब गांव की लड़की से आपको प्यार है? प्यार नहीं है, और जो मम्मी पापा बोले ना कि मम्मी पापा जो करेंगे। अच्छा, वही करेंगे हम। नवीन जी एक बात बताइएगा, जिस तरह आप उस गाना में रोल कर रहे हैं कि आप दुल्हा से शादी किए हैं, आशीष भैया लवर है, तो दोनों एक ही गाँव के हैं कहीं ना, ठीक है, तो क्या गाँव में भी लवर लवर खेलते थे? लवर लवर क्या खेलेंगे, मतलब प्यार व्यार करते थे? जब 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 हम लोग जो कुछ करने के लायक हुए तब लोग तो यही फील्ड में आ गए, हम लोग को टाइम नहीं मिला प्यार व्यार किए, उस सब टाइम ही नहीं मिला। जब टाइम नहीं मिला, जैसे कि जब तक हम लोग
और जब नॉलेज हुआ कुछ तब से हम लोग काम ही करने लगे, प्यार वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं, कहाँ करेंगे। अच्छा मुस्कान जी से क्या बोलिएगा, क्या बोलेंगे, ठीक है सब अच्छा है काम कर रहे। आज स्टेटस लगाई थी फोटो दुल्हन में, आई लव यू, पता नहीं किसको बोल रही थी, शायद आप ही को बोल रही थी। ये तो आप ही उनके दुल्हा हैं तो हो सकता है। ये तो मुझे पता नहीं, नहीं आपको ये तो आपको पूछना चाहिए था किसको लगा है। हम पूछे मुस्कान जी से, पूछे कि मुस्कान जी आई लव यू किसको लिखे, तो क्या बोले, समझने वाले समझ गए। तो अब ये तो हम नहीं बता सकते हैं कि किसके लिए लगाई, मेरे लिए लगाई, हम मुझे नहीं पता। तो दोस्तों अभी हमारे साथ नवीन बाबा थे, आशीष भैया के काफ़ी क्लोजली हैं, कहीं ना बोल सकते हैं जब दोनों गांव के हैं, काफ़ी बचपन से ही एक साथ हैं। अच्छा आशीष भैया को कोई बीता कल बताइएगा कि आप दोनों जब गांव में गली डंडा खेलते हाँ, थे। पूरा खेलना तो था, जिसे ये ना होता है बढ़िया के जंगल में, कोतवाली के जंगल खेलते थे, पढ़ने लोग जाते थे, पर देखिए पढ़ने जाते थे तो वहाँ इन्हें खाना नहीं खिलाता सरकारी स्कूल में, तो हम लोग का था कि एक साथ ही खाना है, जहाँ कतनों कुछ जाए मतलब शुरू से। अच्छा आप आशीष भैया के साथ आपका रिश्ता बोलते हैं बाबा पोता का है, क्या रियल में है तो बोलते हैं आपका आशीष भैया आपका पोता है, पोता है रियल में है, आशीष भैया आपका पोता है। अच्छा क्या कैसे पोता हो गए, दोनों एक ही उम्र के लगते हैं, फिर उम्र का बात ये है, गाँव के रिश्ते में, गाँव के रिश्ते में क्या मतलब, मेरा अपना है वो, अपना जैसे गोतिया होता है ना वैसे गोतिया में है, और पोता लगता है। अब तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, भगवान का सब बनाया हुआ है, तुम अपने से तो नहीं कर सकते। आपका गाना काफ़ी इससे, आप जो भी गाए हैं चोली खोलम खोलो, तो इससे बढ़िया हम अच्छा गाना पहले गाते थे, तो एक बार वो गाना हो जाए। ये गाना मेरा हिट किया था जी, गजरा नहीं उठला लिया ले बहो, गजरा नहीं उठला लिया ले बहो, पिया हो झाझा वाला झाझर लागल सड़िया ले बहु, पिया हो सोनो वाला चैन लागल चोलिया ले बहु। तो अभी हमारे साथ नवीन बाबा थे, मुस्कान केटी से शादी किए हैं, रियल में नहीं किए हैं, वीडियो में किए हैं सिर्फ, और जो रियल में होता है भाई वीडियो में होता है, काम होता है तो